स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इतना जो अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जो एक राहुल जी का की यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, उसके मद्देनजर आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। दो यात्राएं, एक यात्रा तो चल रही, एक यात्रा शुरू होने वाली है। और जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि प्रत्येक ब्लॉक में 25,000 घरों को हमको को जाना है। और जो जाना इसलिए पड़ेगा कि ये जो चीजें, जो पुराने जो हमारे लोग थे, जो कहीं ना कहीं चीजों से दूर हुए थे, वो पूरी तरीके से आज मेन स्ट्रीम में, मेन चीजों, मेन धारा में उनको जोड़ा जाए। और ये हम लोगों का सबका प्रयास होगा, उसमें राहुल जी की यात्रा चलेगी और उसमें सब लोग पूरी तरीके से गांव-गांव, घर घर इसको बोला जाए, गांव-गांव, घर घर, मतलब एक दरवाजे दरवाजे टच करने का पूरा प्रयास होगा। और उसमें हम लोग लगे हैं और निश्चित तौर से उसको सफल करेंगे। जैसा अभी सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि जो 2 तारीख का कार्यक्रम हुआ हमारे राष्ट्रीय नेता का, हमारी सोनिया जी का, पूरी तरीके से सबका सहयोग, सबका साथ मिला। क्योंकि इतनी विपरीत जो स्थितियां थी, इतनी धूप, इतनी गर्मी के बावजूद जिस तरीके से आप लोगों ने उसमें उसको कवर किया, उसको जिस तरीके से आप लोगों ने अपने समाचार पत्र में जिस तरीके से उसको आप लोगों ने लिखा, वो एक एक चीजें सही चीज सामने आ गई। और पूरे देश के अंदर, मैं कल बॉम्बे में था, पूरे दिल्ली में था, पूरे देश में ये चर्चा का विषय हो गया। तो निश्चित तौर से ये जो आगे राहुल जी की यात्रा निकलेगी, ये भी पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनेगी। ये हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं और ये अपेक्षा रखते हैं सब। ये अभी एक 2-3 दिन के अंदर पूरी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, 1 हफ्ते के अंदर। ये अगले, मैं समझता हूँ कि अगले 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर सारी चीजें चपाउट। अजय जी, ये यात्रा देवरिया से दिल्ली तक की है वाया बनारस। अब इसमें कौन कौन से रूट लिए जाएंगे, पर ये देवरिया से दिल्ली तक, देवरिया से दिल्ली, दूसरे चरण में मिर्जापुर से फिर आगे चित्रकूट तक गए। अब बाकी चीजों की जानकारी और राजेश मिश्रा जी। सबसे पहले तो आप लोग सब लोग सबको धन्यवाद और बधाई है। 2 अगस्त की जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी के का जो जनसंपर्क यात्रा थी, उसे आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। विपरीत परिस्थितियाँ थी, प्रकृति उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने सबने मदद की। पूरी कांग्रेस पार्टी उसके लिए आप सबका आभारी है। पूरे मंडल